दोस्तों फ्री फायर मैक्स गेम पे कैसे अपने फ्रेंड का आईडी लेके कैसे हम सर्च कर सकते हो। मान लीजिए आपने कोई भी फ्रेंड है, आपको आईडी दिया है, सिर्फ दोस्तों आपको उनका आईडी लेके सर्च करना है, उनको फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना है। तो दोस्तों ऐसे में दोस्तों कैसे अपने फ्रेंड को आईडी लेके कैसे अपने सर्च कर सकते हो, अपने फ्रेंड लिस्ट में कैसे अपने ऐड कर सकते हो, इस वीडियो में देखने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले फ्री फायर मैक्स गेम को आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको फ्रेंड का ऑप्शन पे आ जाना है। फ्रेंड का ऑप्शन में जैसे अपने आते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको आईडी सर्च करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है और अपने फ्रेंड को भी ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो सर्च का जो ऑप्शन है, सिंपली उसको सर्च का ऑप्शन पे हम लोगों को सबसे पहले क्लिक कर देना है। सर्च का ऑप्शन में क्लिक करते अपना जो भी कीबोर्ड है यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अपना फ्रेंड का जो भी आईडी है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर टाइपिंग कर दूंगा, उसके बाद दोस्तों हम लोग को ओके में क्लिक करना है और जैसे ऊपर में आपको साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, सर्च का ऑप्शन में क्लिक करते ही फाइनली दोस्तों अपना जो भी फ्रेंड है दोस्तों हम लोग यहाँ पर मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पर आपको साइड में प्लस वाला आइकन आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली प्लस वाला आइकन में क्लिक करते ही उनके पास रिक्वेस्ट सेंड हो जाता है, वो रिक्वेस्ट को जैसे एक्सेप्ट कर लेता है और गाइस वो जो फ्रेंड अपना फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से काफी आसान से अपने फ्रेंड को अपने सर्च कर सकते हो, अपने उनका आईडी लेके आप सर्च कर सकते हो और सर्च करने के बाद वो जो फ्रेंड है सिंपली अपना फ्रेंड लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो। और दोस्तों वो जो फ्रेंड है उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उम्मीद है आपके वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।